नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की एक मुहिम है, समस्या हो तो घंटी बजाओ। लोग घंटी बजाते हैं समस्या के लिए, घंटी बजाते हैं और समस्या का समाधान भी होता है। तो इस समय आप हम जो खड़े हैं गोमती नगर के मल्हौर में खड़े हुए हैं। ये हमारे आप पीछे जो देख रहे होंगे ये घर है। घर के अंदर एक स्कूल खुला हुआ जिसका नाम है आरबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल है। तो यहाँ का एक मामला आया जो कक्षा 2 में यानी क्लास 2 में जो बच्चा पढ़ता है तो उसके साथ में यहाँ अभद्रता होती है, उसे पीटा जाता है, मारा जाता है, फीस के लिए उसका उत्पीड़न होता है, मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण भी होता है। तो हमारे साथ पीड़ित बच्चा है तो हम उससे बात करेंगे कि क्या है मामला। आखिर वो कक्षा 2 जो कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है वो बच्चे हैं। जब ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जाएगा, जो हमारे देश का जो बच्चा है और जो हमारे देश का भविष्य है वो किस तरीके से सुरक्षित होगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज सौरांश, मैं क्लास 2 में हूँ। अच्छा, यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो तुम? मैं 2022 से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, जुलाई से पढ़ रहे हो, यानी कि नया एडमिशन हुआ है आपका। तो यहाँ पे बेटा जी तुम्हारे साथ क्या होता है? यहाँ मुझे मारा जाता है, मुझे बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे एक बात और है, जो पिछले साल कोई आया तो यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया था लेकिन तब भी ये लोग नहीं माने थे इसीलिए। अच्छा, यानी कि तुमको फीस के लिए तुम्हारा जो है मानसिक शारीरिक शोषण करा, तुमको मारा भी जाता और बातें भी सुनाई जाती है तुमको। यस। तो हमारे साथ पीड़ित बच्चे की माँ भी है तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और क्या मामला था। क्या नाम है आपका? रितु है। और मामला ये है कि हमने इनकी पूरी फीस सबमिट कर रखी है और ये जो है ताइक्वांडो की फीस जो मंथली हम 200 रुपया लेते हैं वो भी हमने सबमिट कर रखी है। बीच में प्रतियोगिता हो रहा था तो बच्चा हमारा थोड़ा सा उसको फीवर था तो हमने उसको कहा कि बेटा प्रतियोगिता मत करना, इसको दवा खिला के मैंने स्कूल भेजा। तो बच्चा हमारा इसको मना भी कर दिया सर से कि सर मेरा बच्चा प्रतियोगिता नहीं करेगा। फिर बच्चे को किसी और का यूनिफॉर्म मतलब पहनवा के ताइक्वांडो का बच्चे के खिलवाया गया, जबकि हम बार बार कहते रहे। फिर जो है हमें बार बार फोन किया जा रहा है कि आप 5 रुपया सबमिट कर दीजिए। तो हमने ना कोई फॉर्म पे सबमिट सिग्नेचर किया ना कहीं भी सिग्नेचर नहीं किया, फिर भी हम बार बार कह रहे हैं कि सर जब हमने किया नहीं, हम बच्चे को हमारी बच्चा बीमार है उससे मत खिलवाइए। फिर भी सोमवार जब बच्चा हमारा सेकंड टाइम सोमवार को आया स्कूल तो बच्चे को हमारे जो है बाहर निकाल दिया गया। और जब हम लोग उस समय बच्चे को बाहर निकाल दिया बिना नोटिस के बच्चे को निकाल दिया गया। फिर सुबह बच्चा हमारा 9:40 से लेकर के बच्चा हमारा 1 बजे तक बाहर बैठा था। बार बार स्कूल से फोन आ रहा है कि आप बच्चे को ले जाइए, बच्चे को ले जाइए। फिर हम आए तो देखा बच्चा हमारा बैठा हुआ था। फिर हम जो है सर से बात किए, सर मानने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि आप 500 रुपया हमसे ले रहे हैं तो कहीं आप मुझे लिखित के तौर पर दे दीजिए कि हाँ मैं इसलिए ले रहा हूँ। तो कहीं जो है हम लिखित भी नहीं देंगे और प्रतियोगिता आप करवाइए चाहे ना करवाइए लेकिन आप 500 रुपया मुझे दीजिए। और उसके बाद में जो आरसी अग्रवाल मैडम है इन्होंने हमसे कहीं जो करना आप हमारा कर लीजिए, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। क्या नाम है? आयुषी अग्रवाल, जो वाइस प्रिंसिपल हैं। ठंडी में हमारे इनको जो है अगस्त के मंथ में एक मतलब फिर थोड़ा सा हुआ था स्वेटर को लेकर के, फिर उस समय भी इन्होंने मुझे धमकी दिया जो हमारा बिगाड़ना बिगाड़ लीजिए, हमारा आप कुछ कर नहीं पाएंगी। और ये अभी कल भी हमें फ़ोन पे बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगी बार बार अगर पुलिस स्टेशन वगैरह जाएंगी तो हम आपके ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे। बार बार धमकी दिया जा रहा है, कह कि हमारे वर्तमान विधायक का हाथ हमारे सर पे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। जबकि हम पुलिस स्टेशन भी गए, चौकी इंचार्ज जी ने इनको फ़ोन किया था कि आप आइए जो भी है मामला हम लोग बैठ के बात कर लेंगे पैसे का और बच्चे को आने दीजिए। हमने चौकी इंचार्ज जी के कहने पे बच्चे को भेजा था। आज हमने बच्चे को भेज करके हम जो है घर वापस गए ऑफिस के लिए तैयार होने लगे, तब तक जो है हमारा बच्चा किसी जूस वाले ने मुझे फोन किया कि एक बच्चा क्लास 2 का जो बाहर बैठा हुआ है जूस की दुकान पे, आप बच्चे को आकर के ले जाइए। फिर हम बच्चे को आकर के घर लेके गए। हमारा बच्चा गायब हो जाता या एक्सीडेंट हो जाता उसका जिम्मेदार कौन होता? ताइक्वांडो जोखिम भरा खेल है, अगर हमारे बच्चे को फीवर ज्यादा था उसमें हमारे मना करने बाद अगर उसके हाथ पैर में चोट लग जाती उसकी जिम्मेदार आयुषी अग्रवाल होती कौन होता? हम 500 रुपया क्या कौन प्रतियोगिता के लिए अगर हमने पैसा नहीं जमा किया तो हमारे बच्चे को पेपर नहीं दिया जाएगा? हमारे बच्चे को उन्होंने लगातार मारते पीटते हैं, ऐसा कई टीचरों के साथ इनके साथ होता है। ये अपना इनका मुस्लिम का स्कूल है, ये हिंदू और मुस्लिम का एक अपना जात के आधार पर तोड़ रहेंगी इस मैटर को, क्योंकि जितनी भी टीचरें इनके इसमें आती हैं हिंदू की वो टीचरों को टिकते नहीं देते। अभी हमारे एक श्वेता जी थी, श्वेता जी के साथ इन्होंने मारपीट तक किया था जहाँ तक पुलिस कंप्लेंट भी हुआ है। कुछ महीने पहले एक पेरेंट्स ने भी इनका कंप्लेन हुआ था कि मारपीट सा तोड़ दिया गया था, फिर भी ये सुधरते नहीं है क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास वर्तमान विधायक का हाथ है, आप जो करना है मेरा कर लीजिए। अच्छा,
यानी कि आपको धमकी देते वर्तमान विधायक का। हाँ, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और ज्यादा कहेंगे तो वहीं से तुमको ऑफिस से तुम घर जाते तुमको टंगवा देंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं आए दिन न्यूज़पेपरों में या फिर न्यूज चैनलों पे आप देखते होंगे जो प्राइवेट स्कूल है उनकी जो है मनमानी चलती है, आए दिन वो फीस बढ़ाते रहते हैं, कॉम्पिटिशन के नाम पे अभिभावकों से पैसा वसूलते हैं। तो वैसे ही एक स्कूल का मामला हमारे साथ में आया है, गोमती नगर, जो कि आपका आरबी मेमोरियल स्कूल है आपका, जहाँ पे ये बच्चा जो है जो स्वरांश जो है कक्षा 2 में पढ़ता है यानी क्लास 2 में पढ़ता है, तो उसका ये कहना है कि फीस के लिए उसका उत्पीड़न होता है, कॉम्पिटिशन के नाम पे यहाँ पे स्कूल वाले पैसों की उगाही करते हैं, पैसा वसूलते हैं। अगर कोई अभिभावक या कोई माता पिता पैसा नहीं देता है तो उनको धमकी देते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और आपके बच्चे का भविष्य खराब कर दिया जाएगा। तो ऐसे जो प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी में चल रहे हैं, क्या योगी सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगा या योगी सरकार का चलेगा बुलडोजर इसके ऊपर भी? अब देखना यह है कि हंगामा टाइम्स के द्वारा जो समस्याओं घंटी बजाओ के तहत जो लोग समस्या का समाधान के लिए हमारे पास फोन करते हैं, तो योगी सरकार आखिर क्या करता है कि ऐसे प्राइवेट स्कूलों पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? आरबी मेमोरियल पब्लिक स्कूल जैसे बहुत सारे स्कूल है लखनऊ में जो प्राइवेट स्कूल है और पैसों की उगाहियों के लिए नए नए कंपटीशन और नए नए लोगों के लिए और नए नए चीज़ों के लिए अभिभावकों को पेरेंट्स को परेशान करते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। अब ये मुद्दा जाएगा दूर तक का, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले मनधड़ंग तरीके से पैसा वसूलते हैं और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।